तो जैसा आपने थंबनेल में देखा, इस वीडियो में आपको फार्म बनाना सिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले देखो मैंने अपने घर की रूपरेखा बिल्कुल बदल दी। खिड़की लगा दी, ऊपर कैंप फायर लगा दिया, थोड़ा देखने में बढ़िया लग रहा है, और लालटेन भी लगा दी। तो लालटेन और खिड़की कैसे बनाएंगे, चलिए अभी देखते हैं। आपको आयरन इंगनोट चाहिए होगा जो मैंने फर्नेस में पका लिया है। थोड़ी सी प्लैंक्स चाहिए होगी, यहाँ पे प्लैंक्स भी मैंने बना ली। प्लैंक के बाद, प्लैंक बनाने के बाद आप स्टिक बना लेना। स्टिक बनाने के बाद ये कोयले से आपको बना लेनी है टॉर्च, और जो आपने ईंट बनाई है उससे आपको बनाना था निगेट। निगेट चारों तरफ फैला दो, फिर बन जाएगा लैंटर्न। हाँ पता है, मैंने थोड़ा फास्ट बताया, वीडियो को पीछे करके दोबारा देख सकते हैं। अब मैं बनाने जा रहा हूँ ग्लास। ग्लास के लिए चाहिए ये वाली मिट्टी, जो खासकर रेगिस्तान में मिलती है। आप ये वाली मिट्टी मत ले लेना, इसको हम मिट्टी नहीं कहते हैं हम। तो देखो, मिट्टी को फर्नेस में ऊपर रखेंगे, नीचे कोला रखेंगे तो ग्लास बन जाएगा। तो इसी तरह से मैंने ग्लास बना के अपनी खिड़की बनाई है। तो आप आज देखने वाले हो आप कि हम खेत यहाँ पे कैसे बनाने वाले हैं, मतलब वीट फार्म बनाएंगे हम यहाँ पे। और अगर आपको माइनक्राफ्ट बिल्कुल खेलने नहीं आती तो आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि क्या चीज़ कैसे करनी है। यहाँ पे मैंने बना ली क्राफ्टिंग टेबल। क्राफ्टिंग टेबल को ले जाएंगे एकदम कोने में रख देंगे, क्योंकि हमें ना बहुत सारी चीज़ें बनानी पड़ेगी। तो क्राफ्टिंग टेबल यहाँ पे मैंने बना के रख लिया एकदम कोने में। और अगर आप इस गेम में न्यू हो तो आप मेरी पहली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है सारी चीज़ें। तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप उधर से चेकआउट कर लेना। यहाँ से मैंने एक शवल बना लिया है क्राफ्टिंग टेबल से। शवल बनाने का मकसद यह है कि इससे मिट्टी जल्दी खुदती है। तो यहाँ पे मिट्टी खोदनी मुझे, क्योंकि यहाँ पे खेत के लिए थोड़ा सा मैं एरिया तैयार करना है। तो मैं जल्दी जल्दी इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ। अगर फास्ट फॉरवर्ड नहीं करूँगा तो यार आप वीडियो को स्किप करोगे, तो मैं नहीं चाहता कि आप वीडियो मेरी स्किप करो, तो पूरी मेरी वीडियो देखो, इसलिए मैंने इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। और अगर आप यहाँ पे बिल्कुल भी स्किप करोगे तो आपका बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। फिर आप वीडियो के एंड में जाके कमेंट करोगे कि यार समझ में नहीं आया कुछ भी। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। क्या पता आप पीसी प्लेयर हो या कोई से भी प्लेयर हो, मतलब दोनों में प्रोसेस एकदम सेम रहने वाला है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, चाहे आप पीसी में खेलो चाहे आप मोबाइल में खेलो, दोनों में मतलब यार माइनक्राफ्ट का रूल्स तो सेम ही होता है एकदम। यार ये ट्रेडर और उसके पेट बीच में आ रहे हैं, ये बड़ा बेकार लग रहा है मुझे। इनको लग रहा है हटाना ही पड़ेगा। पहले मैं अपना कुछ बना लेता हूँ, जगह होगा इसको। मुझे यहाँ से ना एक कैनल बनानी पड़ेगी या एक नाली बनानी पड़ेगी, क्योंकि ना यहाँ पे मैं पानी डालूंगा। सबसे पहले यार इनको हटा दो, यार ये मान नहीं रहे। चलो भाई निकल जा जल्दी से, ये मान नहीं रहे ना, हटाना ही पड़ेगा इन्हें। अभी ट्रेडर भी माने, अरे यार ये थूक रहा, देखो थूकेगा अभी, देख थूका इसने। चलो भाई निकल जा निकल जा, अब ट्रेडर को भी निकालना ही पड़ेगा। चलो भाई तू भी भाग ही जा। चलो भाई हो गया, अब यहाँ पे कैनल बना ली, एक नाली बनानी है, क्योंकि हम यहाँ पे ना पानी डालेंगे तब जाके ही हमारा खेत रेडी हो पाएगा। तो जल्दी से एक नाली बना लेते हैं। आप इसको बड़ा भी बना सकते हो, लेकिन मैं ना सिर्फ एक लाइन का ही बना रहा हूँ, क्योंकि टाइम भी बचेगा इसमें और ज़्यादा ठीक भी रहेगा एक लाइन का। बहुत बंदे तो भाई एक डब्बे में ही बना देते हैं, लेकिन एक लाइन को मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। ये मकड़ी को पहले हटाना पड़ेगा, तू निकल ले मकड़ी पहले, इसका पहले काम पत्तीस करते हैं। निकल गई, चल भाई बढ़िया है। और अब यहाँ से क्राफ्टिंग टेबल में से ना मैं एक इंस्ट्रूमेंट बना लेता हूँ जो घास हटाने का काम करता है। घास हटाने वाले को क्या कहते हैं यार, याद नहीं आ रहा मुझे, कमेंट में बता देना, लेकिन मैं बना लेता हूँ इसको। चलो मैंने इसको बना लिया, अब यहाँ पे घास हटाने का काम कर। अबे मैंने तो पूरा ही हटा दिया घास, कैसे? अच्छा घास ऐसे हटती है। चलो भाई घास हट जा हट जा। अरे पानी तो डाला ही नहीं मैंने, पानी डालना भूल ही गया। अब यार ये दोबारा उगने लगा, घास हटाने का फ़ायदा नहीं हुआ। पहले पानी डालना ही पड़ेगा यहाँ पे, तो आप ये ध्यान रखना, तो पानी पहले डालना आप। तो मैंने देखो एक बाल्टी यहाँ पे पानी डाल दिया। बाल्टी आप बना सकते हो आयरन से, है ना। अब चलो एक और बाल्टी ले लेते हैं पानी, लेकिन यार शाम भी हो गई, कहीं जोम भी आ गया ना तो बेकार हो जाएगा सीन। और कहीं क्रीपर वीपर आके मेरे खेत में फट गया ना यार, मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो यार पहले चल लेता हूँ अपने घर पर सोने, क्योंकि यार क्रीपर से डर लगता है, क्योंकि ना क्रीपर एकदम ख़राब कर देता है। अगर ये खेत बड़ी मेहनत से बनाया मैंने, अगर ख़राब कर दे यार मतलब फ़ायदा नहीं होगा फिर खेलने का ये गेम। तो पहले अपने बिस्तर में आराम फरमाते हैं थोड़ा सा, चला गया बिस्तर सो जाते हैं। अब सुबह उठ के थोड़ा काम कर लेते हैं अपना खेत का, जो भी बचा हुआ काम है। थोड़ी यहाँ पे मेरी हेल्थ कम है, तो यहाँ पे ब्रेड खाएंगे हम। ब्रेड खा ली हमने, सॉरी ब्रेड होता है वो। देखो यहाँ पे मैंने पानी भर दिया था, मैंने वीडियो को स्किप कर दिया क्योंकि आप बोलना। अबे यार ये गाय आ गई, इसको भी चल भाई तू भी निकल ले यहाँ से। अब गाय को भी भगा दिया। अब देखो यहाँ पे मैंने अब करना चालू, ओ भाई देखो मतलब मिट्टी गीली होना चालू हो गई यार। ये बहुत सेटिस्फाइंग है भाई, मतलब कुछ काम आप करते हो ना तो उसका फल मिलता, कितना बढ़िया लगता है यार। मिट्टी गीली होना चालू हो गई, तो आप देख लो यार, वीडियो को स्किप अगर आप कर रहे हो तो यार आप नुकसान हो जाएगा आपका ही। मैं नहीं जानता भाई, इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। तो मैंने जल्दी जल्दी सारी मिट्टी हटा दी, सॉरी मिट्टी नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब घास हटा दी मैंने सारी। तो यहाँ पे मुझे देखो चाहिए होगी एक ही चीज़ बस, सीड। सीड यहाँ पे ना गीली वाली मिट्टी पे लगा लूँगा, फिर मतलब अपनी फसल उगना चालू हो जाएगी। सीड मिलेगी कहाँ से? सीड मिलेगी यहाँ से, जो ये घास बड़ी बड़ी उग रही है ना, इसको तोड़ेंगे तो हमें सीड मिलती है।
ये हाँ ये चीज़ ये तोड़ेंगे, मतलब हर बार ज़रूरी नहीं कि सीड ज़रूर मिलेगी हर बार, लेकिन मिलती है इसी में से। तो मैं डंडी यहाँ से सिलेक्ट कर ली, मतलब स्टिक से मैं मारूँगा, देखो ये मिल गई एक सीड। तो ऐसी ना हमें बहुत सारी सीड कलेक्ट करनी है, तो वहाँ पे लगानी है हमें। देखो एक और यहाँ पे, यहाँ पे मतलब यहाँ पे ना देखो बहुत सारी बड़ी बड़ी घास है, तो सीड हमें बहुत सारी यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी हमसे, क्योंकि हमारा फार्म भी अच्छा खासा बड़ा है ना, तो यहाँ पे भी हम अच्छी खासी सीड इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि बिल्कुल भी कम ना पड़े। शायद लग रहा है अभी भी कम पड़ जाएगी, क्योंकि देखो हर घास में सीड तो मिलती नहीं, तो देखो सीड भी हमारे पास कम है। तो ना इसलिए मैं तोड़े जा रहा हूँ, बस तोड़े जा रहा हूँ। तो आप भी वीडियो को देखना पूरी। तो अब लगता है कि मैंने काफ़ी सीड कलेक्ट कर लिया, अब चलता हूँ लगाने उसको खेत में। मैं देख आप देखते रहना कि मैं कैसे लगाऊंगा वहाँ पे। सबसे पहले मैंने सीड को उठा के अपने डाल लिया इन्वेंटरी में, मतलब इन्वेंटरी में तो पहले से ही है, मतलब इक्विप कर लिया उसको मैंने। इसको लेने बाद चलते हैं खेत में, और जो जो गीला एरिया दिख रहा है ना आपको, वहाँ वहाँ सीड को प्लेस कर देना है ऐसे, मतलब देखो ऐसे ही प्लेस करना है आपको। यार ये मुर्गी यार, यहाँ पे ना बाउंड्री लगानी पड़ेगी मुझे लग रहा है, मतलब बाउंड्री नहीं लगाऊंगा ना तो यहाँ पे एनिमल्स आते रहेंगे, फिर ये खेत भी ख़राब करेंगे। तू भी निकल ले भाई, चल मीट भी देके चली गई, अच्छा खासा अच्छी बात है। तो अब मैं मिलता हूँ आपको इस खेत की बाउंड्री लगाने के बाद, तो दिखाऊंगा कि आपको कि मेरा फार्म कैसा लग रहा है। तो आप देख के मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मैंने अपना फार्म कैसा बनाया, कैसा आपको लगा। तो अब देख लो ये मैंने थोड़ी मतलब बाउंड्री लगा दी, बाउंड्री क्या कुछ ज़्यादा ही लगा दी, बड़ी बड़ी बाउंड्री कि एक ही साइड से दरवाज़ा हैगा इसका। क्योंकि ना यार यहाँ पे ना मतलब मैं भाई अपना खेत है तो प्रोडक्ट तो अपना करना बनता ही है ना, कि खेत को अपने प्रोडक्ट नहीं करेंगे तो क्या ही करना है ना। और यहाँ पे देखो एक फसल उग के तैयार भी हो गई, इसको हम तोड़ेंगे, ये गेहूं है, और इससे हम ब्रेड बना सकते हैं। तो हो गया ना कितना काम आसान, मतलब जानवर को मारना भी नहीं पड़ेगा, वैसे भी वेजिटेरियन ज़्यादा से रहते हैं हम, है ना। तो ये था मेरा प्यारा सा खेत। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आऊँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना बिल्कुल, क्योंकि इस चैनल पे और भी माइनक्राफ्ट की वीडियो आने वाली है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, अगर आप बिगनर है तो मेरी पहली वीडियो ज़रूर देखें, उसमें मैंने अच्छे से बता रखा है कि ये गेम कैसे खेलें।